ये आज तमाम निके हुए हैं मुस्तहिक लड़का और लड़कियों के लिए अंजुम वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, तो क्या मैसेज है, क्या पैगाम है आपका? अच्छा काम इन्होंने किया। मेरे भाई मस्तान अंजुम वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट से ये जो काम अदा किए हैं नौशो और आरएस और ये तमाम लोगों को हमारे दोनों के और तमाम मेहमानों के तरफ से मुबारकबाद है। और ये मुबारकबाद में ये है कि भाई बच्चों को अंजुमन के नाम से शादी होने का मतलब क्या है, आरएस या नौशो और उनके परिवारों को मुबारकबाद के साथ हाफिज़े कुरान बनाए इनके बच्चों को, यही तरीक़े से शादियां होना चाहिए। देखो जो इन्हों अपने घर पे रखा है वही चीज़, वही जेवरात, वही तमाम रोटी, वही बिरयानी खिला के जो हुए हैं बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। और बाद बच्चों को ये शादियों के जितने इमाम उलमा इकराम आए हैं उनसे दुआ कराएंगे, कराना है कि भाई ये शादियों के जोड़ों में अल्लाह अपनी तमाम चीज़ अता फरमाए बच्चों को। हाफिज़ कुरान एक बच्चे, चार शादियां हैं, चार में एक बच्चे में कि भाई अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए बच्चों को, वही हमारी दुआ है। और दूसरी बात जो है जो बच्चों के ऊपर मैं जब से आया हूँ दावत खाने में लगा था, जो दावत किए पेश किए अच्छा है, तो हज़ारों के आपके कमरे कैमरे सौओं के कैमरे वाले आप आए हैं और औरत बच्ची के ऊपर ना उसके मामा के ऊपर आपका कैमरा पड़ा, यही दस्तूर होना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए। बच्चों को छपा के बच्चों को हमारे जैसा बच्चे हमें उठाए पाले वही रकम से बेकू बच्चे की इज्जत से शादी करते हैं और तमाम करते हैं कि भाई दूसरे चंद शादियों सियासती दौर से होती है, सियासती नाम से होते हैं कि भाई हज़ार कैमरे पड़े, हज़ार MLA आ जावें, वो MLA को भी ये बच्चों को कोई ताल्लुकात नहीं है। बच्चा इस्लाम की निशानी है, हाफिज़ कुरान की निशानी है। ये तमाम चीज़ों में ना कभी MLA लोग ना गैर खुम के मिनिस्टर हमारे मेरे बेटियों के चेहरे देखे, तो आपका चेहरा, आपका कमरा, आपका क्या कैमरा इनके ऊपर पड़ा है, नौशो के ऊपर पड़ा है, ठीक है। जो कैमरा औरत बच्ची के ऊपर जैसा आपने परसों काम भी किए थे वो मस्जिद में, खादरिया मस्जिद में हज़ारों के मुसलमान जमा हैं, मुसलमान का मतलब गैर मुसलमान जमा है, वो बच्चों का वो KMC वाले जो केरला वाले जो किए KMC के पूरों को बच्चों को जैसा उनके लिए जहेज दिए इन्होंने, ऐसे जहेज जैसा बता दिए हर भाई को बच्चे को, वो आलम पाशा के तरफ से या उलेमा लोग करना है कि भाई वो हराम है, हराम है, ऐसे हरामी चीज़ शादियों में नहीं होना है। ये तमाम चीज़ का हाजी मस्तान के तरफ से एक मिसाल बनी है, बनना चाहिए, दुआ होना है कि भाई ये बच्चों के ये माँ बाप, ये औरत आज के बाद माँ बाप बनेंगे, ये नौशो और आरस उनकी होगी कि भाई इनकी औलाद होगी हाफिज़ कुरान, इस अंदाज की दुआ चाहिए। जिस जगह पे सियासत के लोगों में बच्चों को जहेज जैसा बताया जाता है, आलम पाशा के तरफ से ऐलान है यह हराम की शादी है, हराम का काम करते हैं, चाहे केरला वाले करो चाहे मेरा बाप करो, हराम नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और मुबारकबाद है सबके पिता बने ये मस्तान, और मरने के बाद खबर के पास इनकी औलाद बैठेगी रोएगी, मेरी औलाद बैठेगी रोएगी, उसमें कुछ देने वाला नहीं है अल्लाह, जिंदे हम रहेंगे तो हर चीज़ देंगे, हर चीज़ करेंगे, यही है दुनिया में हमें करने वाला है, यही सत्य में। सर देखा जाता है कि रियासत कर्नाटका में बहुत सारे इदारे हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं को भी ऐसे काम करना चाहिए, इनके प्लानिंग जैसे रहना चाहिए, इससे बहुत बड़ा हदिया सदक़े जारिया कुछ भी नहीं है शादियों की, उससे बड़ा नहीं, हर आदमी करना, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, यानी भाई को बच्चों को शादियों को नजराना ना बनाए, उनके सूरत पर अपना हिजाब
और अपना कपड़ा ना उठाएं, जैसा हमारे बच्चों को भी लागू है। यही तरीके के शादी होना चाहिए, जो तरीके में बड़े बड़े मस्जिदों में जहेज जैसा बैकू बच्ची को बिठा के करना हराम किया जाता है, वो मस्जिद के मैनेजमेंट वाले और ऐसे केएमसी वाले, ऐसे हज़ारों के लोगों को। ये मेरी तरफ से विनती होती है, शादियां होना है मगर ऐसी नहीं होना है जिस जगह पे जहेज के तहत औरत बच्चों के सूरत पर आपका कैमरा पड़े।